नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन माई डियर स्टूडेंट्स अगर कोई शख्स लॉ के तहत गिरफ्तार हो जाता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है उसको डिटेन कर लिया जाता है तो उसके कुछ राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है कि जिसकी जो फ्रीडम टू मूव है उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है और उसको अब्लाइज टू लॉ किया जाता है कि वो ओबीडियंस टू लॉ दे और अपनी फ्रीडम को रिस्ट्रेन रखे अंडर द सर्वेलेंस ऑफ पुलिस और एफआईए वो शख्स जो अरेस्टेड है उसके भी कुछ राइट्स हैं और राइट का क्या मीनिंग है बेसिकली राइट इज एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ देर आर एज मैनी एज फोर राइट्स विच आर कन्फर्ड ऑन एन अरेस्टेड पर्सन लेट्स डिस्कस दैम पहला राइट दो जो, जो है दट ही शैल नॉट बी डिटेन्ड इन कास्टडी

एंड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर ऑफ इज ओन च्वाइस दूसरा राइट अरेस्टेड पर्सन के पास जो मौजूद है वो ये है कि वो ये राइट रखता है कि वो कंसल्ट कर सके किसी लॉयर को और अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके थ्रू अ लॉयर थर्ड राइट अवेलेबल टू एन अरेस्टेड पर्सन इज कि जब उसे डिटेन किया जाए तो डिटेन करने के 24 घंटों के अंदर अंदर उसको बिफोर द कोर्ट ऑफ नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस किया जाए माई डियर स्टूडेंट्स जो चौथा राइट है जो कि फोर्थ राइट है जो अवेलेबल अरेस्टेड पर्सन को है वो ये है कि ही इज नॉट टू बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट के ऐसा शख्स कि जिसको अरेस्ट किया गया है अगर उसको ट्वेंटी फोर आवर्स से ज्यादा रिटेन करना है या डिटेन करना है तो उसकी परमिशन जो है वह कोर्ट से लेना होगी कोर्ट की परमिशन के बगैर ट्वेंटी फोर आवर्स से ज्यादा किसी भी शख्स को एफ आई ए या पुलिस डिटेन या अरेस्ट नहीं कर सकती